चटनी में आपने बहुत सारी वैरायटीज ट्राई की होगी, पर मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि इस चटनी का जो टेस्ट है वो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ये चटनी फ्रेश रेड चिली से बनती है, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, स्पाइसी, थोड़ी सी खट्टी मीठी ऐसी रहेगी, जिसे आप किसी भी पराठे, रोटी, ब्रेड या तो फिर सैंडविच के साथ आराम से खा सकते हो, और आपको बहुत ही इसका टेस्ट जो है वो पसंद आएगा। और ये चटनी बनाना भी बिल्कुल आसान है। तो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ बृंदा और स्वागत है आपका मेरी चैनल इंडियन फूड रेसिपीज वर्ल्ड में, जहां हम बनाते हैं देसी स्टाइल में काठियावाड़ी तड़का। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको ऐसी ही नई नई रेसिपीज चाहिए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। आइए देखते हैं कि चटनी बनाने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहला और मेन इंग्रेडिएंट है हमारा ये वाली फ्रेश रेड चिली। ये हर एक मौसम में बिल्कुल भी नहीं मिलती है, ये सिर्फ विंटर सीजन में ज़्यादा अवेलेबल रहती है। तो सबसे पहले इसे अच्छे से धोकर सुखा लेना है हमें, और इसके जो ये डंठल है वो हमें निकाल देने हैं। ये फ्रेश वाली जो रेड चिली होती है वो बहुत ही ज़्यादा तीखी होती है। अगर आपको तीखा बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो आप इस तरह से इसके जो सारे बीज होते हैं वो निकाल दीजिएगा। बीज निकल जाने से इसकी जो तिखाश है वो भी निकल जाएगी। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हो तो आप इसके बीज बिल्कुल भी मत निकालिएगा। तो मैंने यहाँ पर दो टुकड़ों में कर दिया है और बीज बिल्कुल भी नहीं निकाले हैं, क्योंकि मुझे तीखी चटनी बनानी है। साथ में गार्लिक लिया है, फिर लिया है धनिया, इसके डंठल रहने दिए हैं मैंने। साथ में गुड़ लिया है और ये दो नींबू का रस है, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे। अब एक मिक्सी जार में सिर्फ कटी हुई मिर्च डालकर एक बार इसे चला लेंगे। अभी कोई भी इंग्रेडिएंट कुछ भी नहीं मिलाना है, पानी भी नहीं मिलाना है, क्योंकि ऑलरेडी मिर्ची में पानी होता है। जैसे ही हम क्रश करने लगेंगे उसमें से पानी निकल जाएगा। तो देखिए, मैंने मिर्ची को एक बार चला लिया है, क्रश कर दिया है, और इसमें से कितना पानी निकला है। तो हमें और कुछ भी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक हमने सिर्फ मिर्च ही पीसी थी, तो अब बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स भी इसमें मिला देते हैं। तो सबसे पहले लहसुन लिया है। लहसुन से इस चटनी का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। पर याद रखिएगा कि मिर्च भी तीखी होती है, लहसुन भी बहुत ज़्यादा तीखा होता है, तो बहुत ही ध्यान से इसमें डालिएगा। लहसुन से जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होगा। अब लिया है धनिया, और धनिया के जो डंठल है वो मैंने बिल्कुल भी नहीं निकाले हैं, क्योंकि चटनी में जो डंठल से टेस्ट आएगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ पर एक मैंने कप जितना धनिया लिया है। अगर आप चाहो तो क्वांटिटी ज़्यादा या कम कर सकते हो। साथ में मैंने गुड़ लिया है। गुड़ से बहुत अच्छा टेस्ट इसका आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिर्ची तीखी होती है तो बैलेंस हो जाएगा। अगर आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, पर एक बार ये रेसिपी गुड़ के साथ ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएगा। और गुड़ का जो क्वांटिटी है वो भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में नमक लिया है, जो कि टेस्ट के अनुसार होगा। यहाँ पर एक बड़ी चम्मच जितना मैंने नमक लिया हुआ है। यहाँ पर मैंने दो नींबू का रस लिया है। अगर आपके पास एक बड़ा नींबू होगा तो उसका रस काफ़ी रहेगा। अब अच्छे से मिक्सी को फिर से चला लेंगे और इसका महीन पेस्ट यानी कि हमारी चटनी जो है वो तैयार कर लेंगे। तो देखिए कितनी फ्रेश और मज़ेदार ये चटनी दिख रही है हमें, और इसका कलर भी कितना ब्राइट आया है। अभी इसमें पानी या कुछ भी नहीं मिलाया है, ताकि हम इसको बहुत दिन तक प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिन तक करना है, मतलब 15 दिन से ऊपर तक करना है, तो आप इसमें थोड़ा सा तेल या तो फिर घी मिला सकते हो। इससे बहुत ज़्यादा दिनों तक ये अच्छी रहेगी। इस चटनी को आप ग्लास के एयरटाइट कंटेनर में 10 से 15 दिनों तक बहुत अच्छे से फ्रीज में स्टोर कर सकते हो। पर याद रखिएगा, प्लास्टिक में बिल्कुल भी स्टोर मत करिएगा, ग्लास का ही कंटेनर होना चाहिए, और वो भी एयरटाइट। तो 10 से 15 दिन तक आराम से हमारी जो ये चटनी है वो हमें जायका देती रहेगी, टेस्ट देती रहेगी। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।